सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं प्रद्योत, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आप सबका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आपका अपना परिवार हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल, जो आपके लिए, आपकी सफलता के लिए लगातार प्रयासरत है। जी हाँ, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हैं आधुनिक गद्य साहित्य पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल खंड से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों में से आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं रिपोर्ताज विधा पर। जी हाँ, रिपोर्ताज विधा पर हमने पहले आपको एक वीडियो दी थी, लेकिन आज हम एक बेहतरीन कंटेंट वाली, बेहतरीन प्रश्नोत्तर वाली एक और क्लास लेकर आए हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें क्लास को, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिना किसी देर के चलते हैं सीधे सीधे क्लास की ओर। चलिए रिपोर्ट आज स्पेशल क्लास है। ये है पहला प्रश्न स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, पहला प्रश्न है। चलिए, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, संस्कृत। तो रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है, इम्पोर्टेंट है, सरल भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपको आ रहा होगा, आ रहा होगा तो जरूर सरल लगेगा, ठीक है। देखो इसे हम कैसे कह सकते हैं, रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक, रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही, रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं, रिपोर्ताज कहते हैं। रिपोर्ताज कहते हैं, ठीक है। चलो, तो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहते हैं, रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न, रिपोर्ताज को लेखक का उत्साह किसने कहा है, तो रिपोर्ताज को लेखक का उत्साह किसने कहा है बताइए, बाबू गुलाब राय, शिवदान, द होना चाहिए था, शिवदान सिंह चौहान, रेणु, विवेकी राय। रिपोर्ताज को लेखक का उत्साह किसने कहा है, ठीक है। तो ये कहा है बाबू गुलाब राय ने, किसने कहा है, बाबू गुलाब राय ने। दूसरे प्रश्न का अविकल्प सही है, ए विकल्प सही है, और बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है पूरा देख लो, रिपोर्ट की भांति, रिपोर्ट की भांति, यह रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का, रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, मतलब इसमें क्या है, रिपोर्ट की भांति इसमें घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, लेकिन इसमें और क्या होता है, किंतु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, निजी
उत्साह रहता है, उत्साह रहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बाबू गुलाब राय जी का है। ठीक है, तो रिपोर्ट ताज क्या है, लेखक का उत्साह है और किसने कहा है, तो ये कहा है बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, लेखक को लेखक का उत्साह रिपोर्ट ताज, ठीक है, किसने कहा है, बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, गुलाब राय ने उत्साह। ठीक, चलो, और उत्साह को याद कैसे रखेंगे, गुलाब राय के नाम से याद कैसे रहेंगे, गुलाब देने के लिए उत्साह रहता है प्रेमियों में, प्रेमिकाओं में, अपने प्रिय को गुलाब देने के लिए क्या होता है, उत्साह। तो गुलाब राय से लेखक का उत्साह याद रखेंगे। जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा वो कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदतंत्री, पाठक की हृदतंत्री के तार झंकृत, होना चाहिए झंकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, अब बताइए, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, बताइए ए बी सी डी। जिस रचना में वर्ड विषय का आंखों देखा व कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदतंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, क्या है रचना में वर्ड विषय का आंखों देखा, या तो आंखों देखा और कानों सुना, ठीक है, विवरण प्रस्तुत किया जाए जिससे पाठक के हृदतंत्री के तार झंकृत हो उठें, हृदय के तार झंकृत हो उठें, ठीक है, और उसे भूल न सके, उस बात को लेख पाठक भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। गुलाब राय रेणु अस्क डॉक्टर नगेन, किसकी परिभाषा है, बहुत शानदार परिभाषा है, बताइए किसकी परिभाषा है, ये कथन किसका है। ए बी सी डी आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय, बताइए ये कथन किसका है। बहुत बढ़िया कथन है, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, बताइए किसका कथन है। तो ये कथन किसका है, डी विकल्प सही है, डॉक्टर नगेंद्र का, किसका कथन है ये, डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए, रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न, रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, चीन युद्ध के समय, पाकिस्तान युद्ध के समय, बताइए। बहुत अच्छा, रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ है। ठीक है, कौन से समय में हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ठीक, तो इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। रिपोर्टाज लेखन परंपरा का सूत्रपात, रिपोर्टाज लेखन परंपरा का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिपोर्टाज लेखन परंपरा का सूत्रपात कर्मवीर से हुआ, हंस से, सारिका से या रूपाव से, तो रिपोर्टाज पत्रिका, रिपोर्टाज लेखन परंपरा का जो सूत्रपात हुआ है वो डी विकल्प सही है, रूपाव पत्रिका से हुआ है। कौन सी पत्रिका से हुआ है, रूपाव, रूपाव पत्रिका में दिसंबर 1938, ठीक है, नोट रखेंगे, दिसंबर 1938 ईस्वी में, ठीक है, लक्ष्मीपुरा, बारिश हो रही है, गरज रहा है बादल भाई, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कौन सा, लक्ष्मीपुरा नामक, और इसके लेखक कौन है, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था, कौन सी पत्रिका में, रूपाव में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है, याद रखेंगे, रूपाव 1938, लक्ष्मीपुरा और शिवदान सिंह चौहान, एकदम नंबर 1। चलो,
पांचवा प्रश्न हो गया। अब देखो छठा, चलो आ गया, हमने बता दिया आ गया तो फिर कोई बात नहीं। असंगत है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, रिपोर्टाज विधा के प्रवर्तक शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान का अन्य रिपोर्टाज है स्वराज भवन। इस विधा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार रूस में हुआ। अब बताओ कौन सा असंगत है। बहुत बढ़िया, असंगत बताओ, बताइए कौन सा असंगत है। बताइए इनमें से कौन सा असंगत है, ये आपको बताना है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, बहुत शानदार प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, बिल्कुल संगत है, अभी चर्चा की है। रिपोर्टाज विधा के प्रवर्तक शिवदान सिंह चौहान है, बिल्कुल है। शिवदान सिंह चौहान का अन्य रिपोर्टाज है स्वराज भवन, बिल्कुल नहीं, ये असंगत है। और इस विधा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार रूस में हुआ, ये बिल्कुल संगत है। सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, रूस में। शिवदान सिंह चौहान का नहीं है, और स्वराज भवन किनका है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। स्वराज भवन, ये जो है स्वराज भवन, इसके लेखक कौन है, स्वराज भवन के प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है, इन्होंने लिखा है स्वराज भवन, ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है, प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है स्वराज भवन, ठीक है। अब रूस में सबसे अधिक इसका प्रचार प्रसार हुआ है, कहां पर, रूस में। अब रूस में सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया है, तो सबसे कुशल रिपोर्टाज लेखक कौन है रूस का, बताइए। इलिया एहरेनबर्ग, ठीक है, इलिया एहरेनबर्ग, ठीक है, इलिया एहरेनबर्ग, ये सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त, सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त, सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त, ये सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त रूस का रिपोर्टाज लेखक है, और ये रूस में सबसे अधिक प्रचार प्रसार इस विधा का हुआ, कंटेंट नंबर वन। चलिए छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिए, रांगे राघव का रिपोर्टाज कौन सा है, रांगे राघव का रिपोर्टाज कौन सा है, बताइए। वे लड़ेंगे हजार साल तूफानों के बीच, नव वर्षांक समारोह में देश की मिट्टी बुलाती है। बहुत बढ़िया, रांगे राघव का, बताइए रांगे राघव जी का रिपोर्टाज कौन सा है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए अ ब स द ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, रांगे राघव जी का कौन सा है, बताइए बताओ रांगे राघव का कौन सा है, बता दीजिए भैया जी, रांगे राघव का कौन सा है, तो रांगे राघव का है तूफानों के बीच, कौन सा है, तूफानों के बीच, 1941 ईस्वी का है, ठीक है, तूफानों के बीच 1941 ईस्वी का है। यदि अब हम बात करें वे लड़ेंगे हजार साल, तो ये किसका है, वे लड़ेंगे हजार साल, ये शिव सागर मिश्र का है, किसका है, शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज है वे लड़ेंगे हजार साल, ठीक है, हजार साल तो शिव सागर ही लड़ सकता है, सागर लड़ सकता है और शिव, तो शिव सागर कितने साल लड़ सकता है, हजार साल, ठीक है, तो शिव सागर मिश्र हजार साल, ठीक। अब बात करते हैं नव वर्षांक समारोह में, तो ये किनका है, राम नारायण उपाध्याय। अब इसे याद कैसे करेंगे, अब देखो नव वर्षांक, नव वर्ष अभी आई है 2024, उसमें सबसे बड़ा समारोह कौन सा हुआ है, राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सबसे बड़ा समारोह हुआ है नव वर्ष में,
तो इसे हम याद रखेंगे राम नारायण, ठीक है। राम कौन है? नारायण के अवतार है, तो राम नारायण उपाध्याय। नव वर्षांक समारोह, इसके लेखक कौन है? राम नारायण उपाध्याय। और देश की मिट्टी बुलाती है, तो इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। ये है देश की मिट्टी बुलाती है, ठीक है। भदंत आनंद कौशल्यायन, आनंद होता है देश की मिट्टी, आनंद देती है देश की मिट्टी, देश की धरती, देश की शान, ठीक है। चलो बी विकल्प सही है। सातवां प्रश्न, आठवां, फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं, इनका कौन सा नहीं है? ऋण जल, धन जल, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए। ऋण जल, धन जल, पेरिस के नोट्स, श्रुत असुर, अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है फणीश्वरनाथ रेणु का? तो फणीश्वरनाथ रेणु का ऋण जल धन जल है, श्रुत अश्रुत पूर्व है, एकलव्य के नोट्स है, लेकिन पेरिस के नोट्स नहीं है, पेरिस के नोट्स नहीं है, बाकी तीन हैं। तो पेरिस के नोट्स ये किनका है? तो ये है राम कुमार भ्रमर का, ठीक है। किनका है? राम कुमार जी का, ठीक है। पेरिस के नोट्स, ठीक। चलिए तो ये बी विकल्प सही हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऋण जल धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्व, ठीक, और एकलव्य के नोट्स, तीनों याद रखेंगे। अगला देखिए, मुक्ति फौज और अपोलो का बताओ, मुक्ति फौज और अपोलो का रथ, हाँ हो गई है भाई गड़बड़, अपोलो का रथ होना चाहिए था, ये का रथ, का अलग है रथ अलग है, भैया जी पंकज भैया लिखते हैं तो थोड़ी सी भूल हो जाती है। चलिए, मुक्ति फौज और अपोलो का रथ, इसके लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, रांगे राघव, रेणु, बताओ। मुक्ति फौज नामक रिपोर्टाज, अपोलो का रथ नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो मुक्ति कौन देता है? श्रीकांत। मुक्ति कौन देता है? श्रीकांत, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु। मुक्ति कौन देता है? मुक्ति की फौज किनके पास है? श्रीकांत जी के पास, ठीक है। तो ए विकल्प सही, ए विकल्प सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछ लिया जाए कि निर्मल वर्मा का कौन सा है, तो निर्मल वर्मा का है, बहुत महत्वपूर्ण है, निर्मल वर्मा का प्रागः एक स्वप्न, प्रागः एक स्वप्न, ये रिपोर्टाज है निर्मल वर्मा जी का, ठीक है। और रांगे राघव का तो अभी चर्चा कर ही ली है, रांगे राघव का अभी चर्चा कौन सी चर्चा की थी? तूफानों के बीच, बार बार लिखोगे तो याद होगा, तूफानों के बीच, किनका है? रांगे राघव जी का है, ठीक है। और रेणु का ऋण जल धन जल, सबसे महत्वपूर्ण, ऋण जल धन जल, ऋण जल का मतलब सूखा और धन जल का मतलब अश्रुत अश्रुत पूर्व। और चलिए, काफी बढ़िया एकदम। चलो नौ प्रश्न हो गए, दसवां देख लो अब, प्लाट का मोर्चा की विधा क्या है? प्लाट का मोर्चा जो है इसकी विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, डायरी, रिपोर्टाज, तो प्लाट की विधा, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज विधा का है, प्लाट का मोर्चा किस विधा का है? रिपोर्टाज। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लाट का मोर्चा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है प्लाट का मोर्चा। तो भाई प्लाट का मोर्चा है किनका, ये भी जान लो,
इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, प्लाट का मोर्चा पूछा जाएगा तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह हैं इस प्लाट के। शमशेर सिंह लिख गया है, बहादुर सिंह, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं प्लाट के मोर्चा के लेखक। ठीक है, अब क्या ध्यान रखेंगे, याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, प्लॉट पर जब मोर्चा होता है, लड़ाई होती है, तो बहादुर की जरूरत पड़ती है या शेर की? शमशेर इसका मतलब भी होता है जो बहुत लड़ने वाला, बहुत दमदार हो, और बहादुर और सिंह, ये सब सिंह बहादुर शमशेर काय के लिए जरूरी है, मोर्चा के लिए, प्लाट के मोर्चा के लिए बहादुरी बहुत जरूरी है। ठीक है, शमशेर होना बहुत जरूरी है, प्लाट पर लड़ाई होती है, मोर्चा का मतलब लड़ाई। तो दसवां प्रश्न है, बहुत अच्छा है, और ये 1952 ईस्वी का है। ठीक है, एक और बात, 1952। चलो दस, अब चलते हैं 11वां प्रश्न, अल्मोड़ा का बाजार। बहुत अच्छा, इतनी बार आया है आप गिनती नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, बहुत बार आया है। अल्मोड़ा का बाजार के लेखक कौन है? अस्क, धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन है अल्मोड़ा का बाजार? यह है रेणु जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अल्मोड़ा का बाजार, इसके लेखक कौन है? अल्मोड़ा के बाजार के लेखक कौन है? चलो, तो अल्मोड़ा का बाजार ये है प्रकाश चंद्र गुप्त का। किनका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। ठीक है, अब इनके और भी हैं, अभी हमने एक बता दिया था स्वराज भवन, एक कौन सा बताया था? स्वराज भवन। ठीक है, एक अल्मोड़ा का बाजार हो गया, एक और है इनका महत्वपूर्ण, वो कौन सा है? वो भी है बंगाल का अकाल। ठीक है, बंगाल का अकाल, ठीक, ये महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और अस्क जी का कौन सा है? पहाड़ों में प्रेम में संगीत, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। ठीक है, अस्क जी का रिपोर्टाज है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। ठीक है, अस्क पहाड़ों में प्रेम में संगीत सुनाई देता है अस्क को। ठीक, और धर्मवीर भारती का कौन सा है? युद्ध यात्रा। कौन सा है? आपको पहले भी एक बार हमने बताया था, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। और रेण जी, ऋण जल धनजल। ठीक है, स्रोत स्रोत पूर्व, रेण जी की चर्चा हो चुकी है। तो 11वां प्रश्न, सी विकल्प सही है, अल्मोड़ा का बाजार। छड़ बोले कड़ मुस्काए के लेखक कौन है? छड़ बोले कड़ मुस्काए के लेखक कौन है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, बताइए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, भगवत शरण उपाध्याय, श्रीकांत वर्मा। 12वां प्रश्न बताओ, छड़ बोले कड़ मुस्काए, छड़ बोले कड़ मुस्काए, तो छड़ बोले कड़ मुस्काए, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। ठीक है, बहुत शानदार है। और शमशेर बहादुर सिंह का तो प्लाट का मोर्चा आपको याद हो ही गया होगा, शेर होना चाहिए प्लाट पर मोर्चा करने के लिए। ठीक है, शेरों का शेर। और अब क्या बचा? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय, तो इनका कौन सा है? खून के छींटे, खून के छींटे। ठीक है, याद रखेंगे इनका, खून के छींटे। ठीक, भगवत शरण उपाध्याय। और श्रीकांत वर्मा का, इनका तो भाई बता ही दिया था, आपको ये याद हो गया होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए।
श्रीकांत वर्मा का, ठीक है। अभी बताया था मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति की फौज किनके पास है, मुक्ति फौज श्रीकांत के पास, ठीक है। चलिए फाइटर की डायरी, असंगत पूछा है, फाइटर की डायरी मैत्री पुष्पा, पेकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन, यहाँ डैश आएगा, ठीक है। मैं छोटा नागपुर में हूँ, कामता प्रसाद मिश्र, जब प्रभाकर पाताल गए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जब प्रभाकर पाताल गए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, असंगत पूछा है, बताओ बताइए कौन सा असंगत है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, असंगत बता दीजिए कौन सा असंगत है इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं फाइटर की डायरी मैत्री पुष्पा का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आज है, पेकिंग की डायरी जगदीश चंद्र गुप्त का है, बिल्कुल संगत है, मैं छोटा नागपुर में हूँ कामता प्रसाद गुप्त का है, बिल्कुल संगत है, ये हो गया असंगत। जब प्रभाकर पाताल गए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नहीं है, ये है प्रभाकर माचवे का, प्रभाकर माचवे का है, जब प्रभाकर पाताल गए, ठीक है। इन प्रभाकर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी प्रभाकर यहाँ भी प्रभाकर, ठीक है। तो किसका है ये, प्रभाकर माचवे का है, जब प्रभाकर पाताल गए, पाताल कौन से प्रभाकर गए, प्रभाकर माचवे, ठीक। चलिए 13वां डी विकल्प सही है। लाल धरती रिपोर्ट आज के लेखक कौन है, बताओ लाल धरती रिपोर्ट आज के लेखक कौन है, रिपोर्ट आज संग्रह है लाल धरती, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत राय, बलराम, चंडी प्रसाद सिंह, श्रीकांत वर्मा, लाल धरती के लेखक कौन है, तो बता दीजिए कौन है, लाल धरती के लेखक कौन है, अमृत राय, ए विकल्प सही है। लाल धरती के लेखक कौन है, अमृत राय। अब बलराम, बलराम का रिपोर्ट आज कौन सा है, औरत की पीठ पर, औरत की पीठ पर, बलराम का है औरत की पीठ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चंडी प्रसाद सिंह का कौन सा है, युवराज की यात्रा, युवराज की यात्रा, चंडी प्रसाद सिंह का कौन सा है, युवराज की यात्रा, ठीक है, युवराज की यात्रा। और श्रीकांत वर्मा का कौन सा है, अभी बताया था श्रीकांत, मुक्ति फौज, मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति की फौज किनके पास है, श्री लक्ष्मीकांत, श्रीकांत, ठीक है। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंटेंट वाले प्रश्न 14। अब देखते हैं 15वां, बहुत अच्छा कंटेंट है, सभी साथी ये नोट कर लें, अपनी डायरी पर नोट कर लें, जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में अपने आप पता लग जाएगा कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है, ठीक है। तो आप सभी साथी थोड़ा सहयोग करते रहें, क्लास को थोड़ी शेयर करें, संख्या थोड़ी कम जुड़ पाती है ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा तो सोचना चाहिए, ठीक है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना परिवार है, तो आपको अपने परिवार के लिए, परिवार की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रीमियर क्लास, लाइव क्लास जब चलती है उस क्लास में लगभग 100 विद्यार्थी तो जुड़ ही जाएं, ऐसी क्लास आप शेयर करें, दोस्तों को भेजें, जिससे कि 100 लोग तो जुड़ ही जाएं। हमने कहा 100 से ज़्यादा के लिए आपसे नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो अगला है, 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया। 5 पानी खेत में और 50 पानी खलिहान में, बताओ 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में, इसके लेखक कौन है, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, बता दीजिए भाई, बता दीजिए, बताओ 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में, कौन है इसके लेखक, बताओ 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 बताओ,
पांच पानी खेत में, पचास पानी खलिहान में। कौन है विवेकी राय? विवेकी राय प्रकाश चंद्र गुप्त का कौन सा है? अभी बताया था अल्मोड़े का बाजार है। ठीक है, कमेंट करते रहा करें, लिखने से याद होता है। प्राग, एक स्वप्न, बार बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा, क्लास होते ही होते याद हो जाएगा। प्राग, एक स्वप्न। रांगे राघव का कौन सा है? रांगे राघव का तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रांगे राघव का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले बताया है, पहले ही नंबर पे आ गया था। ठीक है, ये दो चार गिने जाएं इंपॉर्टेंट में तो रांगे राघव का सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, कौन सा है? रांगे राघव। ठीक, रांगे राघव का बहुत महत्वपूर्ण, अभी थोड़ी देर चर्चा की है, लिखो कमेंट करो जल्दी से, फिर हम लिखें। रांगे राघव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक तो पहला लक्ष्मीपुरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा तूफानों के बीच किनका है पता होना चाहिए, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्लाट का मोर्चा। ठीक है, तो ये तूफानों के बीच रांगे राघव जी का ही है। ये तीन यदि पूछे जाए, चौथा ऋणजल धनजल, चौथा कौन सा है? ऋणजल धनजल। ठीक है, चौथा रांगे राघव का तूफानों के बीच। चलो चार पांच यदि पूछे जाए महत्वपूर्ण तो यही होंगे। ठीक है, कौन कौन से? तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, ऋणजल धनजल, ये बार बार पूछे जाते हैं, अल्मोड़े का बाजार। ठीक है, प्लाट का मोर्चा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, महत्वपूर्ण तो वैसे सब हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। विवेकी राय का तो ये बता ही दिया आपको। 15वां प्रश्न, छठा 16वां प्रश्न, अपराधों की घाटी में उगे ये जीवन फूल, अपराधों की घाटी में उगे ये जीवन फूल के लेखक कौन है? राजकुमार भ्रमर, बताओ। अपराधों की घाटी में उगे ये जीवन फूल, चंडी प्रसाद सिंह, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, बताओ। चंडी प्रसाद सिंह, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राजकुमार भ्रमर कौन है? अपराधों की घाटी में उगे ये जीवन फूल, तो घाटी में कौन घूमता है? भ्रमर। घाटी में कौन घूमता है? भ्रमर, याद रखेंगे। ठीक है, घाटी में क्या होते हैं? फुलवारी होती है, पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, तो भ्रमर घूमेगा। और चंडी प्रसाद सिंह, इनका तो अभी बताया था और हमने आपको बताया है कि हमेशा लिखने से याद होता है, तो आप कमेंट करके बताइए चंडी प्रसाद सिंह का कौन सा है। चंडी प्रसाद सिंह का कौन सा है जल्दी से बताइए, कौन सा है? युवराज की यात्रा, युवराज की यात्रा। ठीक है, युवराज की यात्रा, चंडी प्रसाद सिंह का कौन सा है? युवराज की यात्रा। अब है कमलेश्वर, सी विकल्प है कमलेश्वर, तो कमलेश्वर का अभी तक हमने नहीं बताया है। ठीक है, कमलेश्वर का नहीं बताया है अभी तक, तो क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना, आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना, यहाँ लिखे दे रहे हैं, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। और धर्मवीर भारती का तो बता ही दिया था, युद्ध यात्रा। ठीक है, युद्ध यात्रा, बस लिखते चलें याद करते चलें साथ के साथ, धर्मवीर भारती। अगला, गरीब और अमीर पुस्तकें के रचनाकार कौन है? गरीब और अमीर पुस्तकें के रचनाकार कौन है, बताओ। रिपोर्ट आज, गरीब और अमीर पुस्तकें के रचनाकार कौन है? तो गरीब और अमीर, बताओ, भदंत आनंद, रामनारायण उपाध्याय, शिव सागर मिश्र, रेणु। गरीब और अमीर पुस्तकें के रचनाकार हैं रामनारायण उपाध्याय। रामनारायण उपाध्याय कौन है? रामनारायण उपाध्याय जी हैं। ठीक है,
भदंतानंद का, भदंतानंद कौशल्यायन का तो आपको बता ही दिया है अभी, कौन सा बताया था याद है कि भूल गए? देश की मिट्टी बुलाती है, कौन सा बुलाया था? देश की मिट्टी बुलाती है, ठीक है, देश की मिट्टी बुलाती है, ठीक है, मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है, इनके याद हो गए होंगे, शिव सागर मिश्र का और भैरव का, ठीक है, अभी बता दिए थे तो बी विकल्प सही है। चलो अब है असंगत कौन सा है, 18वां प्रश्न, असंगत पूछा गया है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था सती कुमार, बाढ़ 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 विवेकी राय, धरती के लिए कैलाश नारद, वे लड़ेंगे हजार साल, धर्मवीर भारती, बताओ कौन सा है? तो ये पूरा पढ़ा हुआ कंटेंट आ गया, ठीक है, ये संगत है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, ये संगत है, धरती के लिए ये संगत है, वे लड़ेंगे हजार साल, ये धर्मवीर भारती का नहीं है। हजार साल कौन लड़ेगा, ये हमने अभी बताया था आपको, वे लड़ेंगे हजार साल, ये किसका है? तो हजार साल कौन? शिव। हजार साल तक कौन लड़ सकता है? शिव, ठीक है, शिव सागर मिश्र, शिव सागर मिश्र ये हजार साल तक लड़ सकते हैं शिव जी, ठीक है, तो धर्मवीर भारती नहीं। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, ठीक, 19वां, बहुत शानदार। ऋणजल धनजल का दूसरा अध्याय कौन सा है? ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेण किनका है? फणीश्वरनाथ रेण जी का है ऋणजल धनजल, ठीक है, एक बार। अब इसमें अध्याय है पांच, अध्याय इसमें कितने हैं? पांच। अध्याय संख्या पूछी जाएगी तो कितने हो गए इसमें अध्याय? पांच, ठीक है। अब इसमें दूसरा अध्याय पूछा है, कौन सा है? कुत्ते की आवाज, जो बोले सो निहाल, पंछी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा दूसरा अध्याय है। चलो हम बताते हैं, कुत्ते की आवाज ये पहला अध्याय है, क्या कौन सा अध्याय है? ये पहला अध्याय, पहला अध्याय कौन सा है? कुत्ते की आवाज, जो बोले सो निहाल, ये है दूसरा अध्याय, जो बोले सो निहाल, कौन सा अध्याय है? ये दूसरा, ठीक है, दूसरा अध्याय है, ठीक। तो दूसरा पूछा गया है, आप बता देंगे बी विकल्प सही है, दूसरा अध्याय कौन सा है? जो बोले सो निहाल, तीसरा अध्याय, ठीक है, कौन सा अध्याय है? ये तीसरा अध्याय, ठीक। ये है कलाकारों की रिलीफ पार्टी, ये है चौथा अध्याय, ये कौन सा है? चौथा अध्याय, कलाकारों की रिलीफ पार्टी। और अब देखते हैं पांचवा अध्याय, ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, मानुष बने रहो, मानुष बने रहो, मानुष बने रहो, ये है पांचवा अध्याय। मानुष बने रहो, ये है पांचवा अध्याय, ठीक है। ऋण जल धन जल, ठीक, और महत्वपूर्ण बात, ऋण जल का अर्थ, ऋण जल इसका अर्थ क्या है? सूखा, इसका अर्थ क्या है? सूखा। धन जल इसका अर्थ क्या है? बाढ़, इसका अर्थ क्या है? बाढ़, ठीक है। तो ये देखो कितना शानदार कंटेंट है, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई,
तो ये हो गया, बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत बढ़िया कंटेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। रिजल्ट हरीश्वर नाथ रेणु का, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो रिपोर्टाज है उनमें से है ये, ठीक है, टॉप मोस्ट, और उसमें से भी ये कंटेंट टॉप मोस्ट। पहला अध्याय कुत्ते की आवाज़, दूसरा अध्याय जो बोले सो निहाल, तीसरा अध्याय पंछी की लाश, चौथा अध्याय कलाकारों की रिलीफ पार्टी, पांचवा अध्याय मानुष बने रहो, ऋण जल का अर्थ सूखा, धन जल का अर्थ बाढ़, कुल अध्याय पांच, लेखक हरीश्वर नाथ रेणु, कहाँ की चर्चा है, बिहार की, ठीक है, बाढ़ कहाँ की, बिहार की, ठीक। चलो अगला है, ऋण जल का आशय क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया, जल की अधिकता, वर्षा, जल का अभाव, आग, ऋण जल का मतलब है जल का अभाव, ठीक, और धन जल का, धन जल का जल की अधिकता, ये होगा धन जल, ठीक। तो ये हुए 20वां प्रश्न। चलो चलिए इतना ही है, 20 प्रश्न है। यदि इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है, यदि पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ हमारे राइटिंग की होगी, और ये नंबर आपको पता है 9758-43-28-87, ठीक है, ये वार्ता के लिए है, विशेष आवश्यकता होने पर आप इससे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक, और पीडीएफ इसकी हम आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप अवश्य कमेंट करके बताएं, आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, किन टॉपिक से आपको क्लास चाहिए, क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ बाधाएं हैं आपकी सफलता में, स्वमूल्यांकन कीजिए, उसके बाद हमें बताइए, स्वाध्याय कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, ठीक है। वैसे तो आपको YouTube पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, ठीक, तो कोशिश करें अपनी अंतरात्मा से ये जानकर, कोशिश करें कि कहीं भटकाव की स्थिति में आप न हो जाएं, बस, ठीक है, तो जुड़े रहें, दोस्तों को भी जोड़ें, मिलेंगे फिर, राधे कृष्ण, जय हिंदी, जय भारत।